तो दोस्तों अभी ओलंपिया हम इस वीकेंड में देखने वाले हैं। लगभग आप काउंट करोगे तो 3 दिन ही बचे हैं और इसी में एक अपडेट मिल जाता है यहाँ पर राफेल ब्रांडे होगा। उनके कोच नील हिल उनका ये करंट फिजिक अपडेट देखते हैं और स्टोरी पे शेयर करते हैं। सो गाइस ये अपडेट देख के आपको क्या लगता है? सबसे पहले मुझे लगता है कि इनका कार्बोप हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा सा चालू हुआ हो, बिकॉज ये बिल्कुल भी किसी एंगल से फ्लैट फिजिक तो नहीं लग रही इनकी। या फिर हो सकता है ये फोटो उनका 10-15 दिन का हो, बिकॉज मुझे लगता है जो टॉप स्टैंडिंग मैन होता है उस कैटेगरी में जाने के लिए जो चीज़ें लगती है वो चीज़ें अभी आने लगी है राफेल के पास। अगर मैं रिफाइनमेंट की बात करूँगा इट्स देयर, अगर मैं बात करूँगा साइज की इट्स देयर, अगर मैं बात करूँगा फुलनेस की देन इट्स आल्सो देयर। सो पूरे लाइनअप में किस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट करेंगे, और मुझे लगता है ज़्यादातर इनका मुकाबला जो होने वाला है वो हंटर लबरडा के साथ ही होने वाला है, बिकॉज हंटर लबरडा और इनकी फिजिक का अगर आप बोलोगे देन मतलब कैटेगरी तो एक नहीं कह सकता बट एक लेवल की फिजिक अभी आप कह सकते हो। हालांकि हंटर लबरडा काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो चुके हैं इनसे, बट लेट्स सी उसी एक प्लेसिंग पोजिशन में रहने वाले दोनों बॉडी बिल्डर्स। बट ओवरऑल फिजिक देखिए काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव, काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो अट्रैक्टिव फिजिक लग रही है यहाँ पर, और जेडेस को भी आई इल्यूजन क्रिएट करने में ये कामयाब हो सकते हैं ओलंपिया वाले दिन में। तो आपको क्या लगता है इनकी फिजिक देख के आपका व्यू आप कमेंट्स में जरूर रखना। दोस्तों जैसे कि अभी कुछ ही घंटों में बॉडी बिल्डर्स स्टेज पे चलने वाले, तो ऐसे में एरिन बैंक्स एक अपने बैक का अपडेट दे देते और सबको अलर्ट कर देते कि भाई मेरे पास एक ऐसी चीज़ है जो कि स्टार्टिंग से रही थी और उस चीज़ के बलबूते पर मैं आज इस मुकाम तक पहुँचा हूँ और इस चीज़ को मैं कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा हूँ। और उनके बैक में डिटेलिंग एंड थिकनेस देख सकते हो, मसल्स इतने भरे पड़े कि कहीं पर भी आपको ब्लैंक स्पेस दिखाई नहीं मिलेगा, कहीं पर भी आपको फ्लैट फिजिक उनकी दिखाई नहीं देंगी, इतना ज़्यादा थिकनेस एंड डेंसिटी उनके बैक में पड़ा है। तो मुझे लगता है कि जैसे लास्ट ईयर भी बैक पोज में शायद ही हो सकता है कि उनको कोई किसी ने बीट किया हो, इस साल भी मुझे नहीं लगता कि उनको बैक पोज में कोई बीट करेगा। और क्या आपको लगता है हिस्ट्री फिर से बनेगी, मतलब अपना हारा हुआ टाइटल फिर से जीतने आएंगे एरिन बैंक्स? आप कमेंट्स में जरूर बताना। और एक छोटी सी झलक यहाँ पर क्यून प्रोडिजी की फिजिक में भी देखने मिलती है, मतलब क्यून पियर्सन, बिकॉज जो वो साल भर में इंप्रूवमेंट करते हैं गाइस गजब के इंप्रूवमेंट होते हैं, देखने लायक इंप्रूवमेंट होते हैं। जैसे अपने ग्लूट्स को स्क्वीज करते हैं, पहले क्या होता था उनके ग्लूट्स में साइज उन्होंने ऐड ऑन कर ली थी अच्छी खासी, हैमस्ट्रिंग में भी साइज ऐड ऑन कर ली थी, बट कहीं ना कहीं फाइबर नहीं थे। जेरिस बोले कि आपकी फिजिक अभी भी टेपर वाइज अच्छी तो लग रही है बट वो कंडीशन मैच नहीं कर पा रही शॉन के फिजिक से। तो चलो भाई ने कंडीशन में लेके आए, उन्होंने अपने ग्लूट्स में फाइबर्स दिखाना चालू करा, मतलब जैसे जजेस मांग रहे थिंग जो चीज़ें और क्यों वो फिजिक में डाउनलोड करे, ऐसी कुछ बात होगी। बिकॉज बैक में भी आप देख सकते हो जैसे अभी एरिन की बात करिए वैसे ही थिक मसल्स उनके भी बैक में दिख रहे हैं, और कॉम्पिटिशन वाले डे में कितना टाइट फिजिक लेके आते हैं वही मैटर करेगा डेफिनेटली। अभी अपडेट्स में जो भी फिजिक दिखाएंगे मैटर नहीं करेगी, बट फिलहाल काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो चुका हूँ ये फिजिक देख के, और शॉन की तरफ से कुछ ज़्यादा अपडेट नहीं है। बट लेट्स सी, हो सकता है कि अपना सेकंड टाइटल लेके जाए इजीली। आपको क्या लगता है आप कमेंट्स में बताना। एक प्रॉपर प्रीवर्कआउट मील लेने के बाद भी अगर आपके मसल्स को पंप नहीं मिल रहा है, अगर पूरी तरीके से फैट लॉस का डाइट करके भी आपके फिजिक में आपके मसल्स में वो डेफिनेशन नहीं आ रही, या फिर जो सारे इन्फ्लुएंसर आप सोशल मीडिया पे देखते हो उनके जैसे स्किन क्वालिटी उनके जैसे फाइबर्स आपके फिजिक पे नहीं दिख रहे हो, देन हो सकता है कि आपके डाइट में एनाबोलिक वेन्स की कमी हो, बिकॉज ये आपके सप्लीमेंट्स में आपको डेफिनेटली एड ऑन करना चाहिए एज अ बिगिनर, एज अ मॉडरेटर, एज एडवांस, बिकॉज नाइट्रिक ऑक्साइड सबको पता है बनाना से मिलता है, इसलिए जिम के पहले हम बनाना कंज्यूम करते हैं, बट ये जो चीज है वो आपके नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन करती है आपके बॉडी में, इसलिए आपके ब्लड फ्लो ज्यादा तेजी से होने लगता है, बॉडी भी अच्छे तरीके से वार्म होती है, इंजुरी के चांसेस भी काफी कम होते हैं। सेकेंड थिंग ये होती है कि एनर्जी सडन आपकी ग्रो कर देता है, एनर्जी आपकी बढ़ जाती है जब आप जिम में आते हो और इसे कंज्यूम करते हो, 5-10 मिनट वर्कआउट करने के बाद आपको फील होगा कि आपकी एनर्जी ऑटोमेटिकली ऑन द पीक लेवल है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके बारे में ये वीडियो बन रही है, मसल डेफिनेशन। जैसे कि मैं अभी पोज कर रहा हूँ, पोजिंग करते हुए आप देखोगे कि मेरे मसल्स अभी ठीक हो चुके हैं, साइज भले ही छोटी हो मसल की मैच्योरिटी बढ़ गई हो, बिकॉज ये टैबलेट मैं लास्ट 6 मंथ से कंटिन्यूसली यूज कर रहा हूँ और मुझे जेन्युइनली एंड थ्रू द हार्ट काफी अच्छे रिजल्ट्स मिले। अनदर थिंग, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, जस्ट लिंक को ओपन करके प्रोडक्ट की समरी आप पढ़ लें, ओपन कोड यूज करोगे तो आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। Thank you so much. Keep following and don't forget to always view us.
तो अली बिलाल भी अपनी एक फ्लैट फिजिक की अपडेट देते और कैप्शन में लिखते हैं कि कांट वेट टू स्टार्ट कार्बिंग अप टुमारो, मतलब आज से उनका कार्ब अप स्टार्ट होगा और पूरी तरह से फ्लैट फिजिक का नज़ारा वो दिखाते अपने। मुझे बिल्कुल वो फ्लैट फिजिक नहीं लग रही, हाँ यस थोड़ी बहुत लग रही है, बट अभी इतना ज़्यादा फुलनेस एंड क्वालिटी उन्होंने अपने मसल्स में ऐड करा है कि वो फिजिक मुझे ज़्यादा फ्लैट भी नहीं लग रही। तो आपने बहुत सी झलक देखी होगी अली बिलाल की फिजिक की, इस साल फिजिक देख के आपको क्या इंप्रूवमेंट लगती है? जैसे मुझे इंप्रूवमेंट लगती है उनके ओवरऑल चेस्ट के मसल्स में, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि उन्होंने अपने चेस्ट में और ज़्यादा थिकनेस साइज ऐड ऑन करी है, इसलिए उनकी फिजिक और ज़्यादा मस्कुलर लगने लगी है। आप कमेंट्स में ज़रूर बताना आपकी राय क्या है। तो बस ये 4-5 अपडेट देख के आई होप आपको खुशी मिली होगी, आपको एक्साइटमेंट बढ़ी होगी ओलंपिया देखने की, और ऐसे ओलंपिया के अपडेट्स और कंपैरिजंस आप देखना चाहते हो तो उन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज इसी चैनल पे मिलेंगे वो भी विदाउट क्रिटिसिज्म, ओनली पॉजिटिविटी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट, सी यू सून, लव यू ऑल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट।